नमस्कार दोस्तों, आमतौर पर लोगों को कुत्ता, बिल्ली, गाय जैसे पालतू जानवर को पालने का ही शौक होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रुतबे और शान के हिसाब से ही पालते हैं। उनका अधिकतर शौक महंगे और अनोखी प्रजाति को पालने का होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की सबसे अनोखी 10 प्रजातियों के बारे में, जिनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, टूकेन। टूकेन नाम के पक्षियों की चोंच लंबी और रंगीन होती है, जिनकी वजह से यह काफ़ी मशहूर है। इनकी लगभग 40 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। टूकेन पक्षी देखने में काफ़ी आकर्षक और सुंदर होते हैं और उनकी चोंच लगभग 24 इंच लंबी होती है। टूकेन पक्षियों की कीमत करीब 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच में होती है। नंबर 2, डिरबाजा मंकी। डिरबाजा मंकी मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति है। इसके माथे पर एक नारंगी अर्धचंद्र के आकार का चिन्ह दिखाई देता है। इसकी सफ़ेद पलकें धूतन और दाढ़ी से मेल खाती है। इस प्रजाति की कहते हैं कि अपने आसपास के माहौल में डलकर छुपने की काबिलियत रखते हैं और उन्हें ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है। डिरबाजा की मंकी की कीमत 4 लाख से 6 लाख रुपए तक बताई जाती है। नंबर 3, हाइसिंथ मकाऊ प्रजाति। दुनिया की सबसे बड़ी तोते की प्रजाति हाइसिंथ मकाऊ प्रजाति मानी जाती है। ये प्रजाति को सबसे ज्यादा लोकप्रिय होम पेट्स का दर्जा मिला हुआ है और हाइसिंथ मकाऊ पक्षी सभी तोतों में से बड़ा होता है। इन पक्षियों की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक होती है। नंबर 4, पाम काकातुआ। पाम काकातुआ को दुनिया का सबसे महंगा और दुर्लभ प्रजाति का पक्षी माना जाता है। पाम काकातुआ पक्षी को गिलक काकातुआ या महान ब्लैक काकातुआ पक्षी भी कहा जाता है। यह पक्षी ग्रे और ब्लैक रंग के होते हैं और इसके सर पर एक रेड स्पॉट भी होता है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए तक आकी जाती है। नंबर 5, स्टेक बीटल। स्टेक बीटल प्रजाति विश्व की सबसे दुर्लभ प्रजाति है। उनकी औसतन लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। ऐसा माना जाता है कि एक जापानी व्यक्ति ने अब तक इसकी सबसे ज्यादा कीमत लगभग $89,000 यानी कि लगभग 56 लाख रुपए में बेचा है। नंबर 6, सफेद शेर। सफ़ेद शेर दक्षिण अफ्रीका में ही पाए जाते हैं और यह शेरों की प्रजाति सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद शेर का अस्तित्व की पुष्टि 20वीं सदी के अंत में हुई थी। विश्व में सफ़ेद शेर बहुत ही कम बेचे जाते हैं, इसलिए उनकी कीमत करोड़ों तक होती है। नंबर 7, तिब्बतन मास्टिफ। तिब्बतन मास्टिफ मूल रूप से तिब्बत, चाइना, नेपाल, लद्दाख और सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। यह नस्ल बहुत महंगी होती है। इसकी कीमत 32,000 रुपये से शुरू होती है और कभी कभी 60,000 रुपये से भी अधिक चली जाती है। हाल ही में चाइना में इस नस्ल के कुत्ते को 12 करोड़ रुपये में बेचा गया था। नंबर 8, युवराज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के करम विश्व का व्यासा युवराज का वजन 1.5 टन और उसकी लंबाई 5 फीट 9 इंच है। बता दें कि साउथ अफ्रीका से आए खरीदारों ने उसे 9 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इसके मालिक ने इसे नहीं बेचा। करमविश का कहना है कि भैंसे का स्पर्म बेचकर हर महीने 7 लाख रुपए तक की कमाई करते। भैंसे के स्पर्म की मांग हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में है। युवराज प्रतिदिन 20 लीटर दूध और 15 किलो फल खाता है। युवराज की देखभाल के लिए 4 लोग हमेशा तैनात रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।